हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आ, पिनाकल के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग कर रहे थे साइंस के क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं रेलवे एग्जाम से रेलवे एग्जाम के जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं उनके अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चंस बने हैं उन्हें हम अपने सेशन के अंदर कर रहे हैं अभी हम लोग आपका फिजिक्स कम्प्लीट हो गया है केमिस्ट्री कम्प्लीट हो गया है और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी जिसे हम आज से शुरू करने वाले हैं अगर आपने अभी तक बुक को नहीं परचेज़ किया है तो आप जल्दी से जाके अपनी इस बुक को परचेज़ कीजिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब चैप्टर वाइज दिए गए हैं बेनिफिट क्या होगा आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक किया उसके बाद आपके पास इनके क्वेश्चंस होंगे इजीली आप कर लोगे आपको स्पेसिफ़िकली इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है वो नहीं करना पड़ेगा एक ही टॉपिक के आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पिछले डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस बुक का साथ में आपको इसके वीडियो सोल्यूशनस भी मिलेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो इसी ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ठीक है तो आप इसे ज़रूर खरीदें इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा इन्हेंस मतलब बूस्ट होगी तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए ये सही रहेगा ठीक है चलिए यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं साइंटिफिक नेम साइंटिफिक जैसे कि जानवरों के कुछ साइंटिफिक नेम है पेड़ पौधों के साइंटिफिक नेम हैं तो उन्हीं के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पुराने कुछ सालों में पहले हम उनको करेंगे यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न बन रहा है बरगद बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है थोड़े से अटपटे से नाम रहेंगे बट आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है यहाँ पर पूछा गया है बरगद के वानस्पतिक नाम क्या है थियोफ्रास्टिस आते हैं एक व्यक्ति जिन्होंने लगभग पाँच पेड़ों या पौधों के वनस्पतिक नाम दिए थे और जिसे जिस वजह से उनको वानस्पतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा फिकस बेंगालिस जो है ये आपके बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है उसके बाद में चलते हैं ओसीमम फ्लोम तो ये आपके तुलसी का है तुलसी का पौधा तुलसी के पौधे का नाम क्या है ओसीम टेनु फ्लोम ये थोड़े से नाम अटपटे से हैं बट आपको यहां पर याद रखना है ठीक है थर्ड चलते हैं फाइकस रेलिजियोसा तो ये आपका है पीपल का पेड़ पीपल का रसायन वनस्पतिक नाम क्या है फाइकस रेलिजियोसा और लास्ट आपका है अजार्डिराक्टा इंडिका तो ये है नीम का जस्ट थोड़ा ना एक क्या कह सकते हैं उसको हम थोड़ा सा हिंट वाइज याद रख लेना ठीक है और बाकी जैसे जैसे रिपीट होंगे ना तो याद हो जाएगा नेक्स्ट देखिएगा आपसे पूछा गया है सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम ये तो हमसे पर्टिकुलर पूछे ही जाते हैं मतलब ये तो हमें लगभग याद भी रहता है आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे ब्रेसिका कैम्पिसम सेकंड है हेबिस्कस रोज़ा साइनसिस थर्ड है ट्रिटिकम एस्टिवम एंड फोर्थ है जिया मेज तो ध्यान रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये गेहूं का वनस्पतिक नाम है गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है तो याद रखना है ट्रिटिकम एस्टिवम अगर मक्का की बात करते हैं तो जिया मेज मेज को वैसे भी मक्का बोलते हैं तो इसी से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा कि जिया मेज जो है वो किसका वानस्पतिक नाम है तो मक्के का है ठीक है उसके अलावा अगर हम और ऊपर चलते हैं हिबिस्कस रोजा तो ये है आपके चाइना रोज ठीक है और ब्रेसिका कैंपे स्ट्रिम तो ये है सरसों फील्ड सरसों ठीक है तो ये साथ के साथ थोड़ा इसको याद करते चलिएगा जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे देखो आगे है हु term द टर्म Homo होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था लीनियस ने कार्ल्स लीनियस ने दिया मिलर ने दिया डार्विन ने दिया या फिर Mendel ने दिया तो ध्यान रखिएगा होमोसेपिंस जो शब्द हैं ये लीनियस के द्वारा दिया गया था धीरे धीरे आज तो हमारा जिस बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ठीक है उसके अलावा डार्विन ने विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था मैंडल ने अनुवांशिकता के सिद्धांत दिए तो ये सारी बातें भी आगे और भी बहुत आएंगे लगभग एक के आसपास क्वेश्चन हम लोग सिर्फ बायोलॉजी के करने वाले हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट आपके पास है राना टिगरीना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल आपको बताना है राना टिगरीना जो है वो किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना कि पता नहीं किस किस का क्या क्या हमसे पूछ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये किसका है राना टिगरीना तो इसी से याद रखिएगा आपका ये मेंढक का है मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है राना टिगरीना ठीक है चलो आगे देखिएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इज द बोटनिकल नेम ऑफ विच प्लांट दैट इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि आपको बताना है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ये कौन से पौधे का वानस्पतिक नाम है जो बेसिकली हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का है पीपल प्लाश नीम या फिर सीरीश तो ध्यान रखिएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये प्लाश का साइंटि ये प्लाश का वानस्पतिक नेम है ठीक है किसका यहाँ पे बोटनिकल नेम है तो याद रखना है प्लाश का है ठीक है किसका प्लाश का नाम क्या है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नॉर्मली जब हम लोग साइंस वगैरह पढ़ते हैं ना तो इस सिंपल नाम ना दे के ऐसे ऐसे नाम दे जाते हैं वैज्ञानिक नाम तो हमें पता होना चाहिए किसका बोटनिकल नेम कौन सा है आगे देखिएगा व्हाट इज द जेनरिक नेम गिवन टू मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली आपको यहाँ पर बताना है कि बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला जैसे कि बहुत सारी बिल्ली की प्रजातियाँ हैं तो पर्टिकुलर उनके मेंबर्स को एक हमने नाम दे दिया कि अच्छा ये बिल्ली के मेंबर्स ही हैं बिल्ली की प्रजाति के मेंबर्स ही हैं तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या नाम रहेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फलाइन फलाइन जो है ये किसका नाम है तो ये है आपके किसका रहेगा बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला एक नाम है ठीक है उनके पर्टिकुलर जो उनको वर्ग को एक डिनोट करता है बताता है कि ये बिल्ली की प्रजातियां हैं आगे चलते हैं कैप्रिन तो कैप्रिन आपको ध्यान रखना है जैसे कि भेड़ है ठीक है बकरी है तो इनकी जो प्रजातियाँ हैं उसको कैप्रिन से दर्शाया जाता है क्लियर आगे बात करेंगे कैनाइन तो कैनाइन जो है ये कुत्ते से संबंधित है और बोवाइन की बात करेंगे तो ये गाय से क्लियर इसने पूछा था बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है जो उनके वर्ग को डिनोट करता है तो वो है फेलाइन अगर कैप्टन की बात करेंगे तो भेड़ बकरी की पर्टिकुलर वर्ग प्रजाति को दिया जाने वाला नाम कैनाइन जो है कुत्ते की प्रजाति के वर्ग को दिया जाने वाला नाम और बोवाइन क्या है गाय के प्रजाति के वर्ग को दिया गया नाम ठीक है चलो आगे देखिएगा यहाँ पर व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडिया नेशनल बर्ड द इंडियन पिकॉक अब आपसे पूछा गया है कि भारतीय पक्षी जो है हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है मोर है तो आपसे पूछा गया है कि मोर का यहाँ पर साइंटिफिक नेम क्या है मोर का साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पर बताना है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पावो क्रिस्टेटस पावो जो है ये किसका नाम है तो ये है मोर का किसका नाम है मोर का साइंटिफिक नेम है क्लियर नेक्स्ट देखो अब हम चलते हैं ये कुछ थोड़े बहुत ही प्रश्न थे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं अब आप देख लो 2021 में उसके पहले 21 में पूछा गया 21 में 21 में मतलब ये क्वेश्चन थोड़े से कम ही पूछे जाते हैं आज के डेट में 22 तेईस के पेपर तेईस के पेपर, पेपर के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया ठीक है अब हम लोग चलते हैं जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है अब आपके क्वेश्चंस बने थे तो हमने यहाँ पर ले लिए बाकी ठीक है थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं इतना आप यहाँ पर देख लीजिएगा आगे इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवो में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है राइबोसोम केंद्रक डीएनए या फिर गुणसूत्र वैसे तो मेन काम होता है आरएनए का बट आपकी बुक के अंदर इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है डीएनए ठीक है डीएनए आरएनए दोनों ही हमारे केंद्र के अंदर पाए जाते हैं और डीएनए जो है ये हमारा एक अनुवांशिक इकाई है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इसी के अंदर ही क्या होते हैं गुणसूत्र और गुण सूत्रों के ऊपर क्या होते हैं जीन और वही पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे अपने माँ बाप की तरह मिलते जुलते हुए हमें दिखाई देते हैं उनकी आवाज़ उनका नाक उनका फेस कट माँ बाप की तरह दिखाई देता है क्योंकि माँ बाप से बच्चों के अंदर जीन्स आते हैं जो उन्हीं के होते हैं ठीक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है राइबोसोम करता है केंद्र क्या काम करता है पूरी सेल को मैनेज करता है इसे हम सेल का मैनेजर कहते हैं पूरी सेल में कहाँ पे क्या चीज़ें होने हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है आगे चलते हैं गुण सूत्र तो गुण सूत्रों के ऊपर ही क्या होते हैं डी और यही आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और कहता है द फॉलोइंग डायग्राम शोज न्यूट्रिशन इन अमीबा विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी अलोंग विथ देयर फंक्शंस यहाँ पर कहा गया है कि निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है और फिर इस विकल्प में नामांकन ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अमीबा जो है वो एक कोशी के जीव होता है यानी कि सिर्फ एक ही सिंगल सेल से मिलकर बना होता है और ये पानी में रहने वाला जीव है ठीक है और ये जो है ना ये पर्टिकुलर अपने शरीर से जैसे कि दिख रहा है ना इसे उंगलियां टाइप से बना के ऐसे ऐसे करेगा और उसी से ये मोशन करता है आगे की तरफ चलता है और इसी से खाना भी ग्रहण करता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट कहता है ए जो है वो क्या है पादाब है यानी कि भोजन का अंतर ग्रहण करता है और बी क्या है ये आपका फूड वैक्यूल है खाद्य रसधानी है और भोजन का बहिक्षेपण यहाँ पर होता है उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है ए क्या है फूड वैक्यूल है ए जो है ये पर्टिकुलर ए और बी दिया गया है इसने बोला है कि इनमें से ए और बी का काम क्या है वो आपको बताना है ए कहता है ए आपके फूड uh, वैक्यूल uh, है जहाँ पे भोजन का अवशोषण होगा और बी क्या है बी आपका यहाँ पे uh, ये भी राजधानी है जहां पर भोजन का पाचन होगा सी कहता है कि ए जो है वो फूड वैक्यूल है फूड वैक्यूल तो कहीं से भी नहीं लग रहा है ये ठीक है तो ये गलत होगा ये भी गलत है ये भी इसने फूड वैक्यूल बोल दिया ये भी नहीं हाँ ये आपके पादाब जरूर है अब देखिएगा डी ये क्या है ये आपका है ए पादाब है जहाँ पे भोजन का अंतर होता है और बी क्या है वैक्यूल है जहां पर इसका क्या होगा जहां पर इसका डाइजेशन होता है तो ये आपका बिल्कुल सही है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से खाना अंदर जाएगा और ये क्या है एक राजधानी है वैक्यूल हमारी बॉडी में भी होती है पेड़ पौधों में भी होती है वैक्यूल जहाँ पर खाना संचित हो जाता है हमारी पेंट वगैरह में पॉकेट होती है ना जहाँ पे हम लोग फूड को स्टोर कर लेते हैं कोई भी हम खेलते खेलते मतलब चॉकलेट डाल ली कुछ भी डाल लिया नमकीन डाल लिया हम ऐसे करते थे ना बचपन में तो वो पॉकेट क्या है पॉकेट हमारे लिए, लिए स्टोरेज का काम करता है तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही यहाँ पर जो इसके पास वैक्यूल है यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर चलिए आगे देखिएगा इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है देखिएगा यहाँ पे राइट right आंसर होगा प्रोटीन जिम जाते हैं ना बहुत सारे लोग तो आपने देखा होगा ना जिम में जाने से बॉडी जो है वो काफी ज्यादा ऐसे शोल्डर्स बायस ये ट्राइसेप्स ये पता नहीं क्या क्या बन जाता है तो वहां पर शरीर बनता है और जिम वाले आपको प्रोटीन डाइट ही लेने को बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपकी मसल्स को बनाता है आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है रिपेयर करेगा कहीं चोट लगी उसको सही करेगा कहीं पे कोई चीज़ कट जाती है वो फिर से रिपेयर हो जाती है कुछ टाइम के बाद प्रोटीन डाइट की वजह से प्रोटीन की वजह से तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन नहीं विटामिन से भरपूर भोजन नहीं वसा से नहीं तो राइट right आंसर होगा प्रोटीन से भरपूर भोजन प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ऑफ लाइफ भी कहा जाता है आपकी बॉडी को बनाने का काम करता है अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट वगैरह की कमी हो रही है तो आपका शरीर फिर प्रोटीन से क्या लेता है एनर्जी भी लेता है इसका पाचन कहाँ से शुरू होता है आपके पेट से शुरू होता है ठीक है तो राइट right आंसर आपका क्या होगा बी नंबर सोयाबीन है दालें हैं दूध हैं आ, उसके अलावा मीट वगैरह है पनीर है इन सब के अंदर प्रोटीन आपको देखने को मिलता है एग वगैरह इन सब के अंदर प्रोटीन होता है नेक्स्ट देखो ऑटोट्रोप स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं ग्लाइकोजन प्रोटीन स्टार्च या फिर वसा अब देखिएगा जब हम आगे अभी पढ़ेंगे ना तो दो टाइप के हम पढ़ते हैं एनिमल्स जिसके अंदर हम और जानवर आते हैं और दूसरा आपका है प्लांट दो टाइप की सेल्स होती हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम एनिमल जो है ना एनिमल वो तो फूड का स्टोर कैसे करते हैं फूड स्टोरेज तो फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं ठीक है अगर मैं प्लांट की बात करूं तो जो प्लांट हैं वो स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करते हैं तो ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे स्वपोषी दिया गया है यानी कि वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ठीक है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं खुद का भोजन स्वयं ही तो बनाते हैं ना बल्कि हम क्या है विषम पोषी हैं हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाना कुक करने को स्वपोषी नहीं बोला जाएगा क्या आपको लगे हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं नहीं स्वपोषी जो खाना जो प्रोड्यूस होता है हम जैसे कि दालें सब्जियाँ फ्रूट ये सब चीज़ें खाते हैं ना तो हम थोड़े ना उनको उगा रहे हैं वो तो नेचर है वो स्वपोषी है सूर्य के प्रकाश में वो रिएक्शन करते हैं और अपने लिए भोजन बनाते हैं ना तो उनको या आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं स्वपोषी हैं तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टार्च के फॉर्म में उनके अंदर फूड को स्टोर करने की क्षमता होती है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा विषम पोषी है यानी कि जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए शैवाल, घास नीम का पेड़ या फिर बाघ तो ध्यान रखिएगा शैवाल भी आपके कैसे हैं ऑटोट्रॉफिक हैं, घास भी है नीम का पेड़ भी है आपका जो राइट आंसर होगा बाघ ये कैसा है ये विषम पोषी है ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है भोजन के लिए तो राइट आंसर आपका क्या होगा डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा बताओ यहां पे कोई दिक्कत चले आगे नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोविंग प्रोवाइड्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ इनमें से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है पत्तेदार सब्जियां दालें सेब या फिर खाद्यान्न अब देखो आपको ये देखना है कि इनमें से प्रोटीन हमें किससे मिलेगा तो जो सब्जियां हैं फ्रूट हैं जो भी खाद्यान्न है मिठाइयाँ हैं मीठी चीजें उन सब के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट जिसे हम काब्स भी बोलते हैं हमारे बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी की सप्लाई कार्बोहाइड्रेट ही करता है है परंतु इसमें पूछा है कि प्रोटीन किससे मिलेगा तो दालों से हमें क्या मिलता है प्रोटीन मिलता है दालों से हमें क्या मिलेगा दालों से हमें मिलता है प्रोटीन और बाकी सबसे आपको क्या मिलेगा कार्ब्स मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ठीक है चलिए आगे देखिएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ इनमें से कौनसा अपने आप में एक संतुलित आहार है अब देखो उस टाइम पे तो था आज की डेट में इसको संतुलित आहार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं इतनी ज़्यादा मिलावट और इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं अब इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दालें दूध मांस या शहद तो दूध को ना संतुलित आहार कहा जाता था आजकल इसको इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है ठीक है आज हम ठीक है उसको कंज्यूम कर रहे हैं बट वो वाली बात ही नहीं है वो सब चीज़ें नहीं हैं तो राइट right आंसर आपका क्या होगा बी नंबर नेक्स्ट देखिए ऑफ द फूड आइटम्स लिस्टेड बिलो विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी नीचे जितने भी आपके पास सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा एक कौन सा उसका रिचेस्ट सोर्स है अब देखो विटामिन सी जो है ना वो हमें मिलता है खट्टी चीज़ों से खट्टे फल खट्टे फ्रूट इनसे हमें क्या मिलता है विटामिन सी मिलता है आंवला जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है उसे उसके अलावा जो आ, हरी मिर्च होती है मूली है ये भी विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं बट हमारे पास तो कुछ ऑप्शन हैं उनमें से हमें चूज करना है तो ध्यान रखिएगा सिट्रस फ्रूट खट्टे जो फल हैं ये आपके विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स विटामिन सी, इसको इसका या, इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है यह आपका कैसा है हीट सेंसिटिव है हीट सेंसिटिव का मतलब है अगर आप इसको ज्यादा कुक करेंगे विटामिन सी को तो खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है यूरिन के साथ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा एंटी एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन है एंटी वायरल विटामिन है आपको बीमारियों से आपको संक्रमण से बचाने का काम करता है ठीक है नेक्स्ट uh, निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है रुहेस प्रोटीन फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट अभी हमने बात करी थी ना कौन करता है अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज हाँ अब यहां से ना पर ग्राम आपसे पूछा गया है सॉरी पर ग्राम पूछा गया है तो राइट आंसर होगा फैट देखो फैट जो है ना एक ग्राम से आपको 9.2 कैलोरी एनर्जी देता है और ये आपको 4.2 कैलोरी देता है तो कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल है फैट बट हमें डॉक्टर फैटी चीज़ें खाने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि आपको फ़ैटी चीज़ें नहीं लेनी है क्यों क्योंकि इसका पाचन बहुत मुश्किल से होता है इसका पाचन सबसे लेट होता है तभी आपने देखा होगा अगर आप कभी कोई हैवी चीज़ खा लेते हैं पूरियाँ वगैरह खा लोगे तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती है क्योंकि पाचन ही नहीं होता है अगर पाचन ही नहीं होगा तो आपको भूख भी कम लगेगी तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे साइनो कोबालमिन इज ए मैन मेड फॉर्म ऑफ विटामिन साइनो कोबाल जो है ये कौन से विटामिन का मानव निर्मित रूप है तो आपको यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बी ट्वेल्व क्योंकि इसका नाम ही क्या है साइनो कोबालमिन तो यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि कौन से विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा जो आपका विटामिन बी ट्वेल्व है इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है क्या काम करता है ये आप अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है ठीक है इसकी कमी से क्या हो जाता है एनीमिया और वो भी कैसा परनीशियस एनीमिया जनरली फीमेल्स में होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है आप लोग जानते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ में खून की काफ़ी कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा उसको जो मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं उसके अंदर बी ट्वेल्व भी होता है ठीक है उसके अलावा बी टू का रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन ये सारे नाम याद करने हैं विटामिन से पूछे जाते हैं बी सिक्स का है पायरोडॉक्सिन ठीक है और बी वन का है थायमिन। विटामिन जो है ना इनसे आपको किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलेगी बट आपके लिए जरूरी है आपको रोग से बचाएंगे अगर इनकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती है तो विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है पानी से हमें किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है देखो जिसका डाइजेशन होगा ना उसी से आपको एनर्जी मिलेगी तो हमारी तीन ही चीज़ें हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है तो वो एक तो है सबसे पहले काफ्स ठीक है आपका प्रोटीन और फैट ये तीन ही चीज़ें हैं जिनसे आपको क्या मिलती है एनर्जी मिलती है उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट आप जो भी खाएंगे अगर जैसे कि आ, वो आपका विटामिस् हैं या फिर मिनरल्स हैं पानी हैं फाइबर्स हैं इनसे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम मात्रा के अंदर लेते हैं तो डाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती ठीक है चलिए आगे देखिएगा डैश हैज़ थ्री एक्टिव फॉर्म्स रेटिनल रेटिनॉल एंड रेटिनॉइक एसिड आपको बताना है डैश इनमें से कौन से विटामिन के तीन सक्रिय रूप हैं जैसे रेटिनल रेटिनॉल या फिर रेटिनॉइक एसिड हमें नहीं भी पता था हमें नहीं पता है रेटिनॉइक एसिड वगैरह बट हम ये तो जानते हैं ना कि रेटिनॉल ये कौन सा विटामिन है तो विटामिन ए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल विटामिन वाले टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किसका रासायनिक नाम क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और इनके सोर्सेस क्या है सोर्सेस तो देखो तीन चार के पूछे जाते हैं बाकियों के नहीं पूछे जाते बट किसकी कमी से कौन सा डिजीज़ हो रहा है और उसका रासायनिक नाम क्या है ये ज़रूर पूछा जाता है ठीक है तो अगर पूछा जाए सी का मैं देख लिया एस्कॉर्बिक एसिड बी का थायमिन है और डी का यहां पर आपको ध्यान रखना है एक छोटा सा है ना रथ एक टॉफी ये बस एक ट्रिक याद कर लो ठीक है ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई और के ठीक है फटाफट से लिख लेते हैं इसका हो जाएगा रेटिनॉल ठीक है इसका हो जाएगा थायमिन, इसका है एस्कॉर्बिक एसिड इसका हो जाएगा कैल्सीफेरोल ठीक है इसका मतलब डी का क्या हुआ डी का हुआ कैल्सी फेरोल ई का क्या हो जाएगा टोको फेरोल और इसका क्या हो जाएगा के का के का होगा फिलोक्विन ठीक है ये आपको याद करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका बी कॉम्प्लेक्स भी है उसके भी आपको याद करना है बट इससे पहले आपको सिर्फ इतना ही याद करना है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देख लेंगे क्लियर चलो आगे देखिएगा आगे, आगे आपके पास प्रश्न है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ई थ्री हंड्रेड आपसे पूछा गया है कि जो ई थी थ्री हंड्रेड है ना इसका आपको बताना है कि सामान्य नाम क्या है विटामिन बी विटामिन ए विटामिन डी या विटामिन सी तो ध्यान रखिएगा जो आपका ई थ्री हंड्रेड है ना तो ये है विटामिन सी ठीक है इसका सामान्य नाम क्या है इसका सामान्य नाम है विटामिन सी क्लियर चलिए आगे देखिएगा विच अमंग दॉलोविंग माइक्रो न्यूट्रेंट इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थाइरॉयड ग्लैंड निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायरॉइड ग्रंथि के सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है पोटेशियम कैल्शियम आयोडीन या फिर लोहा तो हम जानते हैं ना हमारे गले में ये जो फूड पाइप है यानी कि यहाँ पे सॉरी विंड पाइप उसके दोनों ओर क्या होती है थायराइड ग्लैंड होती है जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हड्डियों के विकास के लिए बालों के विकास के लिए हॉर्मोल हारमोन्स uh, के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसको अगर ये सही से काम करे तो हमें क्या चाहिए होता है आयोडीन अगर आयोडीन इसको सही से प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो ये ग्लैंड काम नहीं करेगी और क्या हो जाता है कई बार हम देखते हैं थाइरॉयड डिजीज हो जाता है गेंगा हो जाता है तो ये सब आयोडीन आयोडीन की कमी की वजह से होता है नेक्स्ट देखो कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है थोड़ी देर पहले हमने देखा था कोबाल्ट विटामिन बी ट्वेल्व में देखने को मिलता है और ये इसको हम कैंसर को ट्रीट करने में इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ट्रीट करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसका कोबाल्ट का ठीक है कोबाल्ट सिक्सटी का इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेट द डिकेइंग मैटर्स शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों के घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए यानी कि एक ऐसा जीव या ऐसा जो मृत और सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में प्राप्त करता है तो क्या हम उसे कीटभक्षी बोलते हैं विषम पोषी बोलते हैं स्वपोषी कहते हैं या मृतोपजीवी कहते हैं तो ध्यान रखिएगा जो सड़े गले और मृत को खाने का काम करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं जैसे काफी सारे फंगस वगैरह जो है, है ना, हम पृथ्वी के सफाई कर्मी भी बोलते हैं क्योंकि जो भी सड़ी गली चीजें होती हैं, वो उनको खाते हैं और पृथ्वी को साफ करते हैं तो पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है कवक को कीट पक्षी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं ठीक है और वो उनको ग्रहण करते हैं वो उनका पोषण होता है विषम पोषी जो भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी क्लियर चलिए नेक्स्ट देखिएगा ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ डैश इन बॉडी ग्लाइकोजन शरीर में किसका भंडारण रूप है आपको ध्यान रखना है आप जो भी खाते हैं ना ज्यादातर हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का ये तो आपने लिया हम जो भी फूड खाते हैं चाहे हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वसा खाते हैं या फिर प्रोटीन खाते हैं काफ़ी जटिल है हमारा शरीर डायरेक्ट इनसे एनर्जी नहीं ले सकता है तो इसीलिए हमारा शरीर करता है पाचन अब पाचन के दौरान क्या होता है ये जो आपने जटिल खाना खाया इसको सरल अवस्था में तोड़ा जाता है ताकि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं जिनसे हमारा शरीर बना है वो सेल्स उनसे एनर्जी ले पाए तो अगर मैं बात करूं आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका किसके अंदर बनता है ग्लूकोज के अंदर ठीक है आपका जो प्रोटीन है वो किस में बनेगा वो आपका बनेगा अमीनो एसिड के अंदर गाइस जस्ट ए मिनट बस एक मिनट एक मिनट में मैं आ रही हूं जस्ट ए मिनट हाँ जी ठीक है एक मिनट चलो यहाँ पे देखिएगा जो प्रोटीन है वो फाइनली टूट के किस में बदल जाता है अमीनो एसिड के अंदर और जो फैट है ना वो किसके अंदर टूट जाएगा वो आपका टूट जाएगा ग्लिसरोल के अंदर डन ये है इनके सिंपल फॉर्म बट आपके बॉडी में ना क्या है इंसुलिन है इंसुलिन जो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है ग्लूकोज को मैनेज करने का काम करता है क्या करेगा मैनेज करने का काम करता है तो आपके बॉडी में जितना भी ग्लूकोज बनता है ना कुछ तो आपने क्या कर लिया कुछ तो आपने यूज़ कर लिया एनर्जी लेने में हम पूरा दिन काम करते हैं ना पूरा दिन या आपका बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सारा दिन चलते हैं काम करते हैं तो उनको एनर्जी चाहिएगी ना तो कुछ तो एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं जैसे हम खाना खाते हैं अब सारा दिन तो खाना खाने से रहे बट काम तो सारा दिन हो रहा है तो कुछ जो खाना है वो स्टोर हो जाता है इसको स्टोर करने का काम कौन करेगा इंसुलिन इंसुलिन क्या काम करता है ये जो आपका ग्लूकोज है ना इसको किस में बदल देता है ग्लाइकोजन के अंदर बदल देगा किस में बदल देगा ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर लीवर और साथ में आपकी जो मसल्स हैं मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है लीवर और मसल्स के अंदर फिर जब जब आपके बॉडी को जरूरत होगी ना एनर्जी की तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और आपका शरीर इससे एनर्जी ले लेगा सिंपल ठीक है तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है तो ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है भंडारण है प्रोटीन हमारे शरीर में किस फॉर्म में रहता है अमीनो एसिड की फॉर्म में फैट हमारे बॉडी में किस फॉर्म में रहता है ग्लिसरॉल की फॉर्म में समझ पा रहे हैं तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है आगे देखिएगा नेक्स्ट है कैसीन इज ए प्रोटीन फाउंड इन कैसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है मांस में गाजर में सोयाबीन या फिर मिल्क में तो ध्यान रखिएगा कैसीन क्या है तो ये एक मिल्क प्रोटीन है इसको क्या बोला जाता है इसको मिल्क प्रोटीन कहा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसीन तो कैसीन क्या है एक मिल्क प्रोटीन है मिल्क के अंदर पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट ऑफ़ ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है प्रोटीन्स आर इनेक्टिव एट लो टेम्परेचर प्रोटीन निम्न ताप पर निष्क्रिय रहते हैं सेकेंड है प्रोटीन्स डी नेचर बाय चेंज इन पीएच प्रोटीन के पीएच में परिवर्तन होने पर वो विकृत हो जाते हैं थर्ड है प्रोटीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड डी है प्रोटीन्स डी नेचर एट हाई टेम्परेचर आपको बोला जाता है ना कई बार जो प्रोटीन की चीजें हैं अगर आप उनको ज्यादा पकाओगे तो प्रोटीन सारा खत्म हो जाता है तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन निम्न ताप पर निष्क्रिय रहते हैं सही प्रोटीन पीएच में परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं ये भी आपका सही है पीएच में चेंज होगा तो डी नेचर हो जाएंगे जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था फिर वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते हैं ये गलत है प्रोटीन टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं अगर ज़्यादा देर को करा आपने तो खत्म हो जाएगा प्रोटीन और प्रोटीन डी नेचर एट हाई टेम्परेचर सही है तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया था तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा बताओ क्या यहाँ पे कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है अभी तो हमने सिर्फ 25 इक्वेशंस किए हैं धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे पूरा एक्सप्लेन के साथ जिससे आपकी जो चीज़ें हैं टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे इवन आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आज हम इतने ही करेंगे बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में टेक केयर बाय बाय हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिनाकल के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिक हम अपने कुछ साइंस के क्वेश्चंस को कर रहे थे जिसमें हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और अब हमने स्टार्ट कर दिया है बायोलॉजी सेक्शन को और उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी 25 फाइव क्वेश्चन कर चुके हैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके रेलवे एग्जाम से संबंधित हैं रेलवे एग्जाम के जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर अपने सेशन्स के अंदर कवर कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं हमारी इस बुक जिसका नाम है रेलवे सामान्य अध्ययन इसके अंदर आपको सेवेंटी वन हंड्रेड प्लस एम सी क्यों मिल जाएंगे तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप इसे जाके अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं ठीक है तो ये तो रहे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की तो ये बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेगी तो अगर आप रेलवे की कर रहे हैं तो ये बुक जरूर खरीदें जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी हो जाए ठीक है चलिए दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है आपका चाहे हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है दोनों ही मीडियम्स अवेलेबल रहेंगे तो आप यहाँ से इस बुक को ले सकते हैं चलिए बात करते हैं रेलवे के हम बायोलॉजी के सेक्शन की और इसके अंदर हम देख रहे थे साइंटिफिक नेम ठीक है साइंटिफिक नेम वाला टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशन देख रहे थे चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कहता है आपके पास ऑप्शंस हैं क्या कहता है प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन इनमें से कौन सा पोषक तत्व भंजन यानी के ब्रेकडाउन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है फाइबर प्रोटीन फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट अब यहाँ पे सीधा पूछ लिया है अगर पूछा जाता है कि आपके बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी या किससे एनर्जी लेती है तब आपका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट परंतु ध्यान रखिएगा जब भी हम इनमें से किसी के भी डाइजेशन की बात करते हैं तो वसा जो है इससे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है कितना 9.2 पॉइंट कैलरी अगर मैं यहां से बात करूं कार्बोहाइड्रेट तो इससे फोर पॉइंट कैलरी और उसके अलावा अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन का ध्यान रखिएगा लगभग फोर पॉइंट कैलरी के आसपास आपको यहां पर एनर्जी मिलती है मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी सिर्फ तीन ही खाने की चीज़ें हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है क्योंकि जब आप इनको खाते हैं तो इन्हीं का ही डाइजेशन होता है जिसका डाइजेशन होगा उसी से ही तो आपको एनर्जी मिलेगी हमारे पास जैसे कि क्या क्या होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट है आपके पास प्रोटीन है और आपके पास होता है फैट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं जब आप इनको खाते हैं बहुत जटिल होते हैं बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है इनको डाइजेस्ट करेगा और इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है सिंपल अणुओं के अंदर तोड़ देगा उसी को ही डाइजेशन बोलते हैं और उसके बाद में आपका जो शरीर है उसके अंदर क्या है छोटी छोटी कोशिकाएँ हैं फिर वो कोशिकाएँ इनसे एनर्जी ले लेती हैं डन उसके अलावा ना आप लोग ना फाइबर्स भी लेते हैं जैसे कि जो सैलड्स वगैरह हैं उनके अंदर फाइबर्स होता है उसके अलावा आप लोग वाटर भी लेते हैं आप लोग मिनरल्स भी लेते हैं और साथ में आप लोग विटामिन्स भी लेते हैं तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी चीज़ें हैं इनसे आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है ये आप लोग बहुत कम अमाउंट में लेते हैं ठीक है और ना इनके डाइजेशन की ज़रूरत होती है अगर डाइजेशन नहीं तो एनर्जी में नहीं तो ध्यान रखिएगा इनसे आपको किसी भी कार की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है सिर्फ इन तीन चीजों से ही एनर्जी मिलती है ठीक है विटामिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर इनकी कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं एक सहायक जो आहार होता है उसकी फॉर्म में हम लोग इनको लेते हैं मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वाटर भी ज़रूरी है और आपके फाइबर्स वाटर हमारी बॉडी में लगभग सेवेंटी तक पानी है और हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है तो पानी तो मस्ट है ही बट पानी से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है क्या आप सोचो कि पानी पी लोगे तो आपको मिल जाएगी बिल्कुल नहीं ठीक है <coughs> इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को चले आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ हेयर इज बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ कौन सा है विटामिन बायोटिन कैरेटीन या फिर थायमिन आपको यहाँ पे बताना है या आप ऐसे बोल सकते हैं बालों के अंदर मेनली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको बताना है कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा अब देखिएगा हमारी ना बहुत सारी चीज़ें अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि हमारे शरीर के अंदर लगभग या आपका पूरे शरीर की बात करें तो इसको बनाने में ना मेन काम जो होता है वो होता है प्रोटीन का ठीक है प्रोटीन टिश्यूज़ को बनाएंगे उससे आपके ऑर्गन्स बनते हैं आपको कहीं चोट लग गई है तो उसको रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करते हैं तो प्रोटीन क्या है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या है प्रोटीन है तो आपके चाहे स्किन है, आपके नाखून है आपके बाल हैं, आपकी मसल्स हैं हड्डियां हैं इन सबके अंदर प्रोटीन आपको जरूर मिलेगा क्योंकि इन सबको बनाने में प्रोटीन की काफी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका होती है आप जब देखोगे विटामिन बायोटीन कैरेटीन या थायमिन, तो ध्यान रखिएगा कैरेटिन बालों का एक मुख्य एक स्ट्रक्चरल मटीरियल है बाल हैं नाखून हैं ये इन के अंदर आपको कैरेटिन देखने को मिलता है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जैसे कि बाल है कुछ ऐसी चीजें अ आ... जो जैसे नाखून जो है इनको डेड स्किन टाइप बोला जाता है ना नाखून है हेयर्स हैं जैसे कि जो पशु होते हैं पशुओं के पैरों के जो खुर होते हैं वो पक्षियों के पंख ये सब चीज़ें जो हैं इनके अंदर कैरेटीन ही देखने को मिल मतलब इनके अंदर कैरेटीन ही होता है ठीक है और कैरेटीन क्या है एक प्रोटीन है ये भी याद रखिएगा कैरेटीन क्या है तो कैरेटीन एक प्रोटीन है इतनी बातें क्लियर हो रही हैं चले आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है मायोसिन एंड एक्टिन आर मायोसिन और एक्टिन क्या है तो ये भी जस्ट एक प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन क्या है तो ये भी प्रोटीन है बस ये देखना है ये प्रोटीन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं देखिएगा मांसपेशीय प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है मसल्स फैट है मसल्स एंजाइम्स हैं तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया अब देखो ना तो इंजाइम है ना फैट है ना काप्स हैं क्या है तो ये प्रोटीन है तो कौन से मसल्स प्रोटीन है ये हमारे मसल्स में पाए जाने प्रोटीन है तो मसल से याद रख लीजिएगा मायोसिन मायोसिन मसल्स ठीक है इस तरीके से आपको ये याद रहेगा नेक्स्ट देखो विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग गर्म करने पर इनमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है बी वन डी ए और सी यहाँ पर ना हमारे पास कुछ तरीके के विटामिन हैं जिनमें हम बोलते हैं एक तो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं और दूसरे हैं जो आपके वाटर सोल्यूबल हैं कुछ ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं और कुछ ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं ठीक है तो जब मैं बात करती हूँ ना टोटल अगर मैं चलूँ तो ए बी सी डी ई और के ये हमारे पास कुछ विटामिन हैं इनमें से जो बी और सी है ना ये तो है वाटर सोल्यूबल कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल हैं, पानी में घुलनशील हैं। कैसे पानी में घुलनशील हैं। ठीक है और दूसरे आपके पास कौन से हैं? ए बी सॉरी ई के या फिर हम इसको बोल दें क्या कीड़ा हुआ तो यही ना ए ई के तो ये आपका है फैट में सॉल्युबल। आपने देखा है क्या कीड़ा जो होता है अगर आप उसको पानी में घोलोगे तो नहीं घुलेगा दिखता है तो बस इसी से ध्यान रखिएगा पर कीड़ा जो है फैट में घुल जाएगा वसा में घुल जाएगा तो इसी से दोनों ही विटामिन आपको यहाँ पर याद रखने हैं तो होता है ना कई बार सब्जियाँ वगैरह धोने से आ, कौन सा विटामिन चला जाएगा अगर आप उनको बहुत ज़्यादा धो रहे हैं तो विटामिन आपका बी और सी क्योंकि अगर आप काट करके धो रहे हैं तो उनके अंदर कुछ विटामिन होगा अच्छे से वॉश करोगे निकल जाएगा तो बोला जाता है जब आप कोई फिर आप उसको कट कर लें। काटने के कोशिश करें जो है सब्जियों को ना धोएं ठीक है उससे पहले अच्छे से वॉश कर लें तो ध्यान रखिएगा जो बीवन है ये जो विटामिन है ये आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है वैसे अगर यहाँ पे जगह पर हमारे पास कोई ऑप्शन सी होता ना तो हम उसको करते ठीक है तो ध्यान रखिएगा जैसे कि बी और सी वाटर सोल्यूबल है तो यहीं से ध्यान रखना है कि गर्म करने पर यह विटामिन भी नष्ट हो जाएगा देखो चल जा भाई चलो द लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन मछली के लीवर का जो ऑयल है इसके अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है काफी इंपॉर्टेंट है फिश लीवर ऑयल ठीक है फिश लीवर ऑयल ये हम काफ़ी बार जब हम पढ़ते हैं विटामिन्स को फ़िश लीवर ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर विटामिन आपको क्या क्या देखने को मिलेगा विटामिन ए मिलता है विटामिन डी मिलता है विटामिन ई e मिलता है ठीक है जो ए और डी हैं वो डी सबसे ज्यादा मात्रा में फिर ए और फिर ई e. तो ऑप्शन देख लेते हैं विटामिन ए विटामिन डी और ए विटामिन e और विटामिन डी अब देखो यहाँ पर ई e अलग सेपरेट ऑप्शन है इसके अंदर तो वैसे भी इनमें से कम मिलता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर जैसे कि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं हरी सब्जियाँ वगैरह रहे हैं उनके अंदर आपको विटामिन ई e काफी अच्छा मिलता है स्प्राउट्स ठीक है इनके अंदर भी विटामिन आपको काफी अच्छा मिलेगा ई विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन भी बोला जाता है इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं ठीक है उसके अलावा विटामिन डी जो है इसको हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं और इसको हम लोग नेचुरल विटामिन भी बोलते हैं ठीक है ये कुछ बातें याद रखना है आगे देखिएगा विटामिन के इज नेली प्रोड्यूस के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा निर्मित होता है आपके पास ऑप्शन है अग्नाशय गुर्दा हर्ट या फिर आंत हमारी बॉडी में ना दो तरीके की आंत होती है एक तो है छोटी आंत और दूसरा है बड़ी आंत ठीक है कौन कौन सी आंत होती है एक तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको आप लोग छोटी आंत बोलते हैं ठीक है और एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन जिसको आप बोलते हैं बड़े आंत हमारी बॉडी के अंदर ना जो भी आप खाना वाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन करने का काम या यहां पर होता है फाइनल जो डाइजेशन होगा ना वो कहाँ पर होगा छोटे आंत में होगा अगर मैं एब्जॉर्बन की बात करूँ तो वो भी कहाँ पर होगा छोटे आंत में ही होता है क्लियर फाइनली आपके मुंह से पाचन शुरू होता है छोटे आंत तक फिनिश हो जाएगा बड़ी आंत छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई भी अवशोषण नहीं होता है तो बड़ी आंत में क्या होता है बड़ी आंत में जल और अगर कुछ मिनरल हैं तो उनका क्या होगा उनका अवशोषण होता है उनको एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा ठीक है उसके अलावा यहाँ पर आपका एक हिस्सा होता है कॉलोन ये जो कॉलोन है ना इसके अंदर पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया कौन सा कोलाई e. बैक्टीरिया अब देखो हमारी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया है बट ये बैक्टीरिया और जो हम हम दोनों कैसे रहते हैं अगर मैं यहाँ पे बताऊं ह्यूमन बॉडी और आपका जो कोलाई e. बैक्टीरिया है हम दोनों रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन से रिलेशन में रहते हैं सिमबायोटिक रिलेशन सिंबायोटिक का मतलब है सहजीवी संबंध इसका मतलब यह है कि हम दोनों साथ में रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं कैसे हमारे पेट के अंदर जो भी बड़े आंत के अंदर क्या होता है ऐसा फूड आता है जिसका पाचन नहीं हुआ है यानी कि वेस्ट मटेरियल तो यहाँ पर क्या होता है कि यहां पर अब जो आपका ऐसा खाना जिसका पाचन वगैरह नहीं हुआ तो वो मल में कन्वर्ट होगा स्टूल में कन्वर्ट होगा तो आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है एक तो जो खाना है वेस्ट यहाँ पे मल में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना ये जो स्टूल होता है हमारा वो इसका है खाना तो हम इसको दे देते हैं खाना और बदले में ये हमें बनाकर देता है दो विटामिन एक तो विटामिन के और दूसरा विटामिन बी ट्वेल्व दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन हैं तो ध्यान रखिएगा हमने बदले में इसको खाना दिया ये ही मल में कन्वर्ट करेगा और इसने क्या किया बदले में हमें विटामिन बनाकर दिए तो हम दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दो जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं उस रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध ठीक है तो यहाँ पर याद रखिएगा इंटेस्टाइन के अंदर अगर पूछ लिया जाए कौन सी आंत तो बड़ी आंत के अंदर ठीक है ये जो बैक्टीरिया है कहाँ पाया जाता है तो याद रखना है बड़ी आंत के अंदर और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसका नाम क्या है ई कोलाई बैक्टीरिया यानी एशीरिया कोलाई बैक्टीरिया ठीक है ये यहां से पांचे क्वेश्चन बनते हैं आपको यहां अच्छे से याद करना है चले कैसे समझ में आ रहा है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पास है केराइड कंसिस्टिंग ऑफ लेक्टोज जो है एक डायसेकेराइड है आपको ध्यान रखना है हमने जो कार्बोहाइड्रेट देखा ना ये लगभग तीन प्रकार का होता है मोनोसेकेराइड जिसमें एक ही प्रकार का आपका आ, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है एक ही प्रकार के अणुओं से सेकेंड है आपका डायसेकेराइड दो अलग अलग अणुओं से मिलकर बनता है या सेम अणुओं से मिलकर बनेगा आपका डायसेकेराइड और तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और काफी लंबी चेन बनाते हैं तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है डायसिकरेट की बात करते हैं लेक्टोज तो लेकटोज के अंदर होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज गलेक्टोज जो है ना ये आपको मिल्क मिल्क या आप इसको शुगर बोलते हैं मिल्क में पाया जाने वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसी का नाम क्या है लेकटोज है तो इसको हम क्या बोलते हैं मिल्क शुगर कहते हैं तो ये किस किस से मिलकर बना है ग्लूकोज और गलेक्टोज इन दोनों से मिलकर बनता है लेकटोज तो ऐसा प्रश्न आता है मिल्क शुगर और मिल्क प्रोटीन आपको बताना है मिल्क शुगर और प्रोटीन आपको बताना है तो आपका आंसर क्या होगा तो यहां पर मिल्क शुगर है और आपका कैसीन जो है ये यह यहां पर मिल्क प्रोटीन है तो दोनों ही बातें बहुत अच्छे से याद रखें नेक्स्ट देखो बीटा कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू बाय द बॉडी बीटा कैरोटीन को शरीर के द्वारा किसमें परिवर्तित किया जाता है आप जो गाजर खाते हैं एप्पल खा रहे हैं पपाया खा रहे हैं मैंगो खाते हैं हरी सब्जियां वगैरह खा रहे हैं तो इनके अंदर आपको मिलता है बीटा कैरोटीन ये जो बीटा कैरोटीन है ये बदला जाता है विटामिन ए के अंदर किसमें बदला जाता है विटामिन ए आपको आपने देखा है ना विटामिन ए का रिच सोर्स कौन सा है गाजर है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसके अलावा जो भी आप येलो फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर आपको विटामिन ए भर भर के मिलता है उसके अलावा जो गोल्डन राइस हैं गोल्डन राइस के अंदर भी आपको विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा ठीक है केमिकल नेम क्या है इसका रेटिनॉल है और इसकी कमी से क्या हो जाता है रतौंधी हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ठीक है इसको क्या बोला जाता है इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को रात में बिल्कुल अंधा हो जाएगा दिखेगा नहीं दिखेगा बट क्लियरली नहीं दिखता है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा ब्लर दिखाई देगा ठीक है तो ये चीज़ होती है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन बाकी फटाफट से रिमाइंड करें विटामिन डी का केमिकल नेम सी का और बी का मैंने लास्ट सेशन के अंदर ट्रिक बताई थी आपको रथ एक टॉफी तो उससे आपको ये सारे विटामिन याद होने चाहिए नेक्स्ट देखो द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल ये कहता है भ्रूण जो आप माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसको पर्टिकुलर माँ से किसके रूप में सारा पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को माँ के रक्त से एक विशेष उत्तर की सहायता से पोषण मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं क्या उसे हम सर्विक्स बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा क्या हम उसे प्लेसेंटा बोलते हैं क्या हम उसे यूट्रस कहते हैं या हम उसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं तो ध्यान रखिएगा आपने देखा होगा ना कि जब बच्चा और माँ जब डिलीवरी होती है तो पर्टिकुलर यहाँ पे आपका जो नाभी होती है वहां से बच्चा कनेक्टेड होता है और फिर बच्चे की नाभी को काटा जाता है या आपने देखा होगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान नखेगा, वो क्या होती गर्भ नाल ठीक है प्लेसेंटा के जरिए क्या किया जाता है बच्चे को सारा फूड और सब चीजें जितना भी न्यूट्रिशन मां लेती है वो सारी चीजें बच्चे के अंदर कैसे आती हैं प्लेसेंटा के जरिए आती हैं ठीक है चलो अब हम चलते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात करेंगे पौधों में किस प्रकार से पौधे पोषण को ग्रहण करते हैं हमें भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना ठीक है हम भी विटामिन और ये सब चीज़ें लेते हैं खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें तो बात करेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है नेक्स्ट देखो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड श्वसन के निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी में रूपांतरण होना थर्ड है पायरुवेट का एथेनॉल में रूपांतरण होना एंड फोर्थ है पायरुवेट का सियोटू में रूपांतरण होना देखो हमारी बॉडी के अंदर या इवन अगर हम प्लांट्स की बात भी करते हैं तो यहाँ पर इनके अंदर भी जो एनर्जी है ये लोग ग्लूकोज से ही लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है ग्लूकोज में पहला स्टेप होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है पायरुवेट जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर है CO2 पानी और एनर्जी में बदल जाता है ठीक है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो वो होता है बी नंबर अगर पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर एनर्जी वगैरह नहीं बनेगी आपने देखा है ना लैक्टिक एसिड वगैरह बन जाता है एथेनॉल बनता है आप जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में आप बहुत थकते हैं आपके हाथों पैरों में दर्द होने लगता है वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है आप जब एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं एरोबिक्स कर रहे हैं वार्म अप कार्डियो करते हैं तो आप सही से सांस नहीं ले पाते हो अगर सही से सांस नहीं ले पाओगे तो ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी अगर ऑक्सीजन पूरा नहीं जाएगा तो इस पायरोवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और ये बदले में फिर लैक्टिक ये सब बनाता है। है? तो आपके आप सा तो हाथों पैरों में दर्द है वो ठीक हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो पायरुवेट किसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ जिससे आपका पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी में बदल जाता है ठीक है चलिए आगे देखिएगा आगे आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपके पास ऑप्शन है कि विच फिगर इज़ करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ़ द मोमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम आपको ध्यान रखना है फ्लोइम जो है ना फ्लोइम क्या काम करता है देखो दो टाइप के ना हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं एक तो है फ्लोएम और दूसरा है आपके पास जायलम ठीक है जाइलम से ज से याद रखिएगा ये जल का परिवहन करता है और इसको याद रखिएगा ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर जो फूड है ना वो कहाँ पर बनता है पत्तियों के अंदर बनता है ठीक है और पानी हम कहां पर देते हैं जड़ में देते हैं तो ध्यान रखिएगा अगर जल की बात आती है तो जड़ से कहां पर जाएगा जड़ से तने में फिर पत्तियों में इस तरीके से यहां पर क्या होगा इसका ट्रांसपोर्ट होता है बट अगर मैं यहां पे फ्लोइम की बात करूं तो खाना कहां पे बना खाना पत्तियों पर बना अगर खाना पत्तियों में बनेगा तो पत्तियों से कहा जाएगा तने पर जाएगा जड़ के पास जाएगा इस प्रकार से वो सर्कुलेट होगा तो बस देख लो तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है अब देखो यहाँ पे जो खाना है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है तो ये देखो बाकी ये भी नहीं होगा अब यहाँ से समझ लो यहाँ पे पत्तियों में खाना बना इस तरफ आया नीचे की तरफ गया इधर से आके इधर ऊपर की तरफ गया तो ये आपका ज्यादा करेक्ट लग रहा है जब हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो राइट आंसर आपका क्या होगा सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है यहां पे बस नीचे की तरफ ही जा रहा है बट यहां पे पूरा सब पतियों की तरफ जाएगा तने के पास जाएगा तो एक अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो आपका रहेगा सी नंबर ऑप्शन डन चले आगे नेक्स्ट देखो विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स इनमें से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन सुक्रोज ग्लूकोज या फिर स्टाश ठीक है देखेगा हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है काव्स किसके अंदर एनिमल के अंदर तो किस फॉर्म में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के अंदर ठीक है और वही अगर हम काप्स की बात करते हैं किसके अंदर प्लांट्स के अंदर तो वो रहता है स्टार्स की फॉर्म में ठीक है तो राइट right आंसर आपका क्या होगा राइट right आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन और जब जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर इसी को ब्रेक डाउन करके आप एनर्जी लेते हैं फिर वो चाहे ग्लाइकोजन है या फिर प्लांट्स की बात करें तो वो स्टार्च से ले लेंगे ठीक है तो राइट right आंसर आपका क्या होगा डी नंबर बाकी ग्लाइकोजन ग्लूकोज सुक्रोज ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही टाइप हैं आगे देखिएगा कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड रंगहीन लवक को हम क्या कहते हैं हम ल्यूको बोलते हैं एपिको कहते हैं क्लोरोप्लास्टिड कहते हैं या क्रोमोप्लास्टिड कहते हैं देखो प्लास्टिड या इसको क्या बोला जाता है हमारे पास क्या होता है प्लास्टिड हमारे पास नहीं ये होता है किसके अंदर प्लांट सेल के अंदर ठीक है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं लवक बोलते हैं लवक जिम्मेदार होता है किसके लिए प्लांट्स के अंदर कलर देने के लिए आपने देखा ना कई पेड़ पौधे रंग बिरंगे से होते हैं फूलों के कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो सब किस वजह से क्योंकि उनके अंदर होता है प्लास्टिड ठीक है लवक होता है जैसे कि पौधों की पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है और जो हेल्प करता है किसको प्लांट को प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए प्लांट अपने लिए खाना बनाते हैं ठीक है तो इसके अंदर कौन काम करता है क्लोरोफिल तो प्लास्टिड के ही टाइप हैं जिसमें है आपका ल्यूकोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्टिड और क्रोमोप्लास्टिड तो रंगहीन जिसका कोई रंग नहीं होगा तो ये है आपका ल्यूकोप्लास्टिड ये आपको जड़ों में देखने को मिलता है कहाँ मिलेगा जड़ों में और खाना स्टोर करने का काम करता है जैसे कि मूली वगैरह है ये जड़ वाला भाग ही तो है जो हम खाते हैं ठीक है तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा एक नंबर होगा आपको यहां से क्लोरोप्लास्टिड का ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और ये वसा का संचय करेगा एपिकोप्लास्टिड, ठीक है और ये आपका जो है ये रंग देने का काम करेगा ठीक है क्रोमो जो है ये कलर देने का काम करेगा क्लोरोप्लास्टिड जो है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर और एपिको जो है ये वसा संचय में काम करता है ठीक है तो राइट आंसर आपका क्या होगा एक नंबर हो जाएगा आगे देखिएगा द अमाउंट ऑफ डैश इन ए प्लांट सेल अल्टर इट्स स्ट्रक्चर इन अदर सॉरी ऑर्डर टू फेसिलेट मोमेंट एक पादप कोशिका में डैश की मात्रा संचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी संरचना को बदल देती है वाटर इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस हॉर्मोन्स या फिर प्रोटीन ये थोड़ा सा देखिएगा और यहाँ पर हमें आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा अब देखिएगा क्या कहता है कि एक पादप कोशिका किसकी मात्रा संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी संरचना को बदल देगी तो ध्यान रखिएगा पानी ठीक है पानी की सप्लाई कौन करता है पानी की सप्लाई या अगर आपने पेड़ों को पानी दिया तो वो सर्कुलेट करने का काम कौन करेगा जाइलम करेगा फ्लोएम और जाइलम दोनों ही कैसे हैं वेस्कुलर टिश्यू हैं सहवनीय ओतक हैं यानी सर्कुलेट होते रहते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हाई इन आयरन इनमें से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है मिल्क में जैगरी बटर या फिर राइस तो आयरन जो है ना आपको बोला जाता है ना चने और गुड़ खाइए आपका खून बढ़ेगा इसी से ध्यान रखिएगा देखो मिल्क में आयरन नहीं होता है ठीक है और उसके अलावा जैगरी बटर और चावल इनमें भी नहीं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुड़ के अंदर आयरन जो है वो काफी अच्छी मात्रा के अंदर पाया जाता है तो इसीलिए आपको गुड़ और चना रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको इसका सेवन करें जिससे आप आपका खून काफी अच्छे से बढ़ जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट देखिएगा वाई डू प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं सेकेंड है बिकॉज दे ओनली इंक्रीज इन हाइट क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं थर्ड है बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ फूड यानी क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एंड डी है बिकॉज दे हैव ए लोट ऑफ डेड सेल्स यानी उनके पास अत्यधिक मात्रा में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं अब देखो कोई डेड होगा तो उसको तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना बट जो जिंदा होगा उसको तो एनर्जी चाहिए तो उसी से आपको ध्यान रखना है कि राइट right आंसर यहां पर क्या होगा बिकॉज दे हैव ए लोट ऑफ डेड सेल्स और इसी वजह से इनको एनर्जी की भी कम आवश्यकता होती है बताएं। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? एक मिनट रुक जाओ। चलो सब ठीक है आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या फिर लाइट आपको ध्यान रखना है हम जो सी टू हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं ना जब हम लोग इन्ेल करते हैं ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे सी टू नहीं होता है नो no डाउट होता है बट परसेंटेज कम होता है बट जब आप एक्जेल करते हैं सांस को छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि हम इनहेल करते हैं तो सी आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एक्जेल करेंगे तो सी छोड़ते हैं ठीक है जर्नल लैंग्वेज में तो आपको ध्यान रखना है हमारे द्वारा भी सी का बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन एक्स होता है हमारे आस पास जो भी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, वो भी सीओटू क्या करती है, है।, है, है, है। स्वपोषी पोषण इसके अंदर कौन आते हैं प्लांट्स क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ये क्या करते हैं इनको चाहिए होता है सियोटू ठीक है इनको चाहिए होता है पानी बदले में ये क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे ठीक है बदले में क्या बनाएंगे बदले में ये बनाएंगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और ढेर सारा यहाँ पे एनर्जी भी मिल जाएगा क्लियर अब देखो इनको क्लोरोफिल क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो सनलाइट में होता है सनलाइट चाहिए इसके साथ इनको क्लोरोफिल भी चाहिए पतियों के अंदर होगा ये प्रोसीजर जिससे क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पर ये आपका ग्लूकोज बना देगा और ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और खाना जो है ये आपके प्लांट्स ले लेते हैं इस तरीके से जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं क्योंकि ये अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ठीक है तो इनको क्लोरोफिल चाहिए, चाहिए, लाइट चाहिए बट इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए और यही आपसे पूछा गया था कि ऑटोट्रोफी पोषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है बताओ क्लियर सब चले आगे नेक्स्ट देखो सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या है गलत है प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा यानी पौधे रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं सेकेंड कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय या दिन के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है यानी आपका जो प्लांट्स है ना वो सीओ टू को एक्सक्रीट आउट करते हैं ठीक है सी कहता हैलुलर स्पेसिस बड़े अंतर कोशिकीय स्थानों की वजह से कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं एंड फोर्थ है ऑक्सीजन एंड सीओ टू आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन विसरण के द्वारा ऑक्सीजन और टू का विनिमय होता है देखो ये जो बोल रहा है ना सारे ऑप्शंस में अगर आप बी नंबर देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय या दिन के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है ये गलत है क्योंकि देखो प्लांट भी है ना वो भी तो श्वसन करेंगे ना जो हमने लास्ट सेक्शन देखी वो तो था फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स अपने लिए भोजन बना रहे थे ठीक है अब उसके अंदर तो वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं बट वो तो सिर्फ भोजन बनाया अब उनको क्या करना है उसका ऑक्सीडेशन करना है जिससे उनको एनर्जी मिलेगी तो ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो बोला जाता है ना रात के समय पेड़ों के पास नहीं जाए क्योंकि वो सीओ टू का एक्सक्रेशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि जब वो श्वसन करेंगे तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए और वो रिलीज़ करेंगे। तो दिन आपका बी नंबर ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा क्योंकि इसने गलत बोला था क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है बताएं क्या यहां पे कोई दिक्कत चले आगे नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से गलत कथन की पहचान करें फर्स्ट है Transpiration इज द मैकेनिज्म बाय which ए प्लांट eliminates सरप्लस water। वाष्पोसर्जन वो क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं Second है न्यूमिर वेस्ट uh, products फ्रॉम प्लांट आर stored इन centrioles। से निकलने वाले कई अप उत्पाद जो हैं हैं। वो तारक केंद्र में जमा होते थर्ड कहता है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद यानी कि एक बाय प्रोडक्ट है एंड डी है गम इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट गोंद पौधों का उत्सर्जी उत्पाद है अब देखिएगा इसने बोला है गलत ट्रांसपेरेशन जो है ना वाष्पोसर्जन आपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया कई बार आप दिन के समय देखते हैं ना पौधों की पत्तियों पे पानी की बूंदें होती हैं तो वो वाष्पोसर्जन है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर निकल जाता है ये स्टेटमेंट तो सही है पौधों से निकलने वाले कई उत्पाद जो है वो तारक केंद्र में जमा हो जाते हैं ये गलत है क्योंकि वो जनरली आपके तने में भी जमा होते हैं या फिर वो गोंद की फॉर्म में भी जमा हो जाते हैं तो ये

आंसर आपका क्या रहेगा आंसर आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन क्लियर? चलिए नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर टिश्यूज ऑफ प्लांट कॉल मतलब पत्तियों के पौधे से अन्य उत्तक तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पाद और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास ऑप्शन है इसने बोला है कि पतियों में जब आपका खाना बन जाता है तो पौधे के अन्य उत्तक तक लेकर जाना फोटोसिंथेसिस के विलय उत्पाद और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया यानी जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उसमें यहाँ पर जो भी इधर उधर जा रहा है उसकी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है आपके पास ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं देखिएगा और बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा हम उसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं वाष्पोसर्जन, ये तो पानी के बाहर निकलने की प्रक्रिया है क्या हम उसे अनुवर्तनी गति बोलते हैं क्या हम उसे बिंदु बिंदुस्राव कहते हैं या फिर हम इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं तो ध्यान रखिएगा जैसे कि पत्तियों से खाना इधर उधर जाना टिश्यूज तक जाना या फोटोसिथेसिस के दौरान जो भी पदार्थ है उनका इधर उधर जाना तो ये सब जो है वो कहलाता है स्थानांतरण क्या कहलाएगा ट्रांसलोकेशन कहलाएगा और ये सब करने का काम जाइलम एंड फ्लोएम का होता है क्योंकि वही वेस्कुलर टिश्यू है वही इधर उधर लेकर ने का का काम करेंगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम आर अप ऑफ डेड सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट ये कहता है जाइलम का इनमें से कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और फिर भी पौधों के अंदर वो जल और जो भी उत्तरदायी खनिज हैं उनके परिवहन के लिए क्या करेगा उत्तरदायी होता है तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट right आंसर है वो क्या होगा क्योंकि हम जानते हैं जाइलम क्या काम करता है जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा जड़ से लेकर उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक लेकर जाएगा ठीक है परंतु ये कहता है कि वो जो पार्ट है ना जाइलम का वो डेड सेल्स का बना होता है फिर भी वो ये काम करता है तो क्या है वेसल्स और जाइलम पेरेंकाइमा फर्ड सेकेंड है आपका ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर्स सी है ट्रेकिर्स एंड जाइलम पेरनकाइमा एंड फोर्थ आपका है ट्रेकिर्स एंड वेसल्स अब देखो वेसल्स का होना जरूरी है ना तभी तो पानी वानी जाएगा तो बस इसी से ध्यान रखिएगा आपकी जो वाहिनी का और वाहिका है वही ये काम करेंगे जो वेसल्स हमारी बॉडी में भी तो खून इधर उधर कैसे जाता है वेसल्स के थ्रू जाएगा ना तो बस उसके लिए वेसल्स का होना तो जरूरी है अगर नहीं भी पता था तो बस थोड़ा बहुत देखते और उससे थोड़ा आइडिया लगा लेते तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ठीक है बताओ क्या यहाँ पे कोई दिक्कत चले आगे नेक्स्ट देखिएगा द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपको बताना है पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है अभी हमने बात भी करी है इसके बारे में ठीक है आपके पास ऑप्शन है ट्रांसपेरेशन सेकेंड है ट्रांसलोकेशन थर्ड है एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फोटोसिंथेसिस तो अभी जस्ट देखा ही है ना कि प्लांट्स कैसे हैं ऑटोट्रॉफिक हैं आपके स्वयं पोषी हैं और वो अपना खाना किसके ज़रिए बनाते हैं तो वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं ठीक है यही तो प्रोसीजर होता है ना जिसके ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं जो सीओ होता है एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पानी लेंगे हमने जड़ों में पानी दिया है बदले में क्या बना देंगे ग्लूकोज बनाएंगे ठीक है और ऑक्सीजन तो इसको बैलेंस कर लेंगे सिक्स ओ टू यहाँ पर सिक्स एच टू और इधर बन जाएगा आपका सिक्स ओ टू ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा ये आपका प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस ये किस में होगा सनलाइट में होगा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर होता है बताइए यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है तो राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन अगर प्लांट्स को अपने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो वो कौन से प्रोसीजर के जरिए होगी तो वो फोटोसिंथेसिस के जरिए होगी अब देखो पहले फोटोसिंथेसिस होगा उसके बाद में जो खाना बना है उससे फिर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी ली जाएगी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है विच ऑफ द विच सेल्स इन ज़ाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड यानी भोजन संग्रह के लिए ज़ाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं जाइलम फाइबर्स वेसल्स या फिर वाहनिका देखो ये दोनों तो क्या काम करती हैं ये दोनों तो आपके खाने वाने पानी को पहुंचाने का काम करती हैं डेड सेल्स से बनी होती हैं और इधर उधर पहुंचाने का काम करती हैं इसने पूछा है कौन सी सेल्स हैं जो खाने को स्टोर करने का काम करती हैं तो स्टोरेज का काम कौन करेगा पेरन करेगा आपका बी नंबर ऑप्शन यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा और अगर पूछा भी जाए ना कि जाइलम किन-किन से मिलकर बना होता है तो जाइलम फाइबर है पैरेन्काइमा है वाहिका वाहिनिकी इन सब से मिलकर ही जाइलम आपका बनता है ठीक है चलिए आगे देखिएगा इनमें से कौन सा एक जाइलम का घटक नहीं है अब देखो जस्ट अभी मैंने आपको बताया तो बस इसमें देख लो आपके पास ऑप्शंस हैं वाहिका निका, साथी या कंपेनियन सेल या फिर मृदूतक या पेरन कायमा तो ध्यान रखिएगा अब देखो सेल नहीं देखा ना, ये आपको कहां देखने को मिलेगी ये आपको फ्लोइम के अंदर देखने को मिलेगी ठीक है बाकी वाहिका वाहि का मृदूतक ये सभी जाइलम के पार्ट हैं, बट कंपेनियन सेल नहीं है वो आपके फ्लोइम का हिस्सा है क्लियर चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके पास यहां पर प्रश्न दिया गया है द फॉलोइंग फिगर शोज ए सेक्शन ऑफ फ्लोएम मेटेरॉइड इन प्लांट्स विच मोनो विच नॉमिन कल्चर रेफर्स टू ए पार्ट विद फोरकेटेड वॉल्स विच इज हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन इसने बोला गया है कि पर्टिकुलर हमने का आपको एक डायग्राम दिया है और ये फ्लोएम उत्तक की एक कार्ड को दर्शाता है पर्टिकुलर ये ना फ्लोइम को दर्शाता है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा नामांकन जो है यानी ए बी सी डी में कौन सी चीज है जो छिद्रित दीवार वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है अब देखो हमने जब बात करी है कि फ्लोएम है या फिर जायलम है दोनों ही टिश्यू है और एक खाने को इधर उधर पहुंचाने का काम करेगा प्लांट में और दूसरा पानी को प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम करता, करता परिवहन में सहायक है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कंपेनियन सेल ये जो आपका बी नंबर है ना ये आपका कौन सा है ये आपका सहचर कोशिका बोल दीजिए ठीक है तो आपका एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा ये जो कोशिका है वही ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होती है उसमें इसके लिए सहायक होती है आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ज़ाइलम फ्लोइम के जिससे आप इन चीजों को थोड़ा और बेहतर से समझ पाओगे और इसके साथ साथ तो आपको अपने टॉपिक्स भी कंप्लीट करने हैं पहले आप उनको कंप्लीट कीजिएगा फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस कीजिएगा जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी ठीक है तो आज की डेट में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है कोशिश की गई है कि इर्द गिर्द की चीज़ों को बताया जाए जितना पॉसिबल होता है उतना हम लोग कवर अप कर लेते हैं ठीक है बाकी का हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में आई होप आपको समझ में आया होगा टेक केयर बाय बाय